भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली 22 भक्रनुक भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर के पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन अनुभाग द्वारा शबकरी पालन द्वारा उद्यमिता विकासर्ष प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम SC/ST के अंतर्गत अनुसूचित जाति के पशुपालकों, उद्यमियों, युवाओं एवं युवतियों हेतु किया गया था। समापन समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संयुक्त निदेशक शैक्षणिक डॉक्टर SK मेंदीरित्ता ने बताया कि अधिकांश बकरियां लघु सीमांत किसान या भूमिहीनों द्वारा मांस, दूध, त्वचा, बाल फाइबर एवं आजीविका के लिए पाली जाती है। आज के दौर में बती आबादी, बती आय, खाद्य वरीयताओं और खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता के कारण दूध की कीमत एवं बकरी के मांस की मांग उपभोक्ताओं द्वारा तेजी से बढ़ रही है। इसलिए बकरी पालन द्वारा उद्यमिता विकास में असीमित संभावनाएं हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर GK गौड ने बकरियों को गरीबों की गाय बताया। उन्होंने कहा कि गाय एवं भैंसों के दूध की तुलना में बकरी के दूध और उत्पादों को उनके स्वास्थ्य और पोषण लाभों के लिए काफी पसंद किया जाता है और उच्च एवं आकर्षक कीमत पर बिक्री की जा रही है। बकरी के छोटे आकार की वजह से चारा दाना में कम लागत आती है। बकरी का गर्भकाल 150 दिन एवं प्रसव अंतराल भी कम होता है तथा जुड़वा या अधिक मेमने प्रायः पाए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर हरिओम पांडेय ने बताया कि प्रशिक्षण में 15 महिलाएं एवं 10 पुरुषों ने अपनी सहभागिता दर्ज की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बकरी पालन पर वैज्ञानिक प्रबंधन, बकरी की प्रमुख नस्लें, मुख्य लक्षण एवं विशेषताएं, बकरियों का चयन एवं उत्तम संतति हेतु प्रजनन प्रबंधन, बकरियां की प्रमुख बीमारियां, लक्षण, निदान एवं नियंत्रण, बकरियों के लिए आवास निर्माण एवं प्रबंधन, विभिन्न आयु वर्ग की बकरियों के लिए आवश्यक आहार की गणना एवं प्रबंधन, बकरियों में अंतः एवं बाह्य परजीवी रोग, लक्षण, निदान एवं नियंत्रण, बकरी के दूध की विशेषताएं एवं बढ़ता महत्व, बकरी पालन के अपशिष्टों से वर्मी कंपोस्ट उत्पादन, एकीकृत बकरी पालन एवं उससे होने वाला लाभ तथा लघु एवं मध्यम बकरी पालन का अर्थशास्त्र पर तकनीकी जानकारी प्रदान की गई। अंत में उन्हें बकरी पालन प्रोत्साहन हेतु मिनरल मिक्सचर, प्लास्टिक टब एवं बाल्टी वितरित की गई।